हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के नए ITR फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए गए हैं और इससे रिलेटेड वीडियो आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में भले ही आपकी इनकम निल है या फिर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, लेकिन आपको करनी पड़ सकती है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अगर आप फुलफिल करते हैं 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) की कोई भी कंडीशन। क्या है ये कंडीशंस जानेंगे वीडियो में, जुड़े रहना है आपको वीडियो के साथ। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आपके सामने ओपन कर रही हूँ ये रिसेंट नोटिफिकेशन जो कि 29th of May को इशू की गई है। इसमें सभी नए ITR फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया गया है। ITR 1 मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी ITR फाइल करने बैठते हैं तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। इस जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर एक पॉइंट आता है फाइल्ड अंडर सेक्शन, यानी कि आप कौन से सेक्शन के अंडर ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। क्या आप सेक्शन 139(1) यानी कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट इस रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, आप इस वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में, तो आपको इस ऑप्शन पे टिक करना होता है। अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर रहे हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर, तो आपको इस ऑप्शन को टिक करना होता है। सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, क्या मतलब है इसका? अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अगर हम बात करें तो आप ये फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2021 तक विद पेनल्टी, लेकिन आप उसके बाद अगर इस रिटर्न को फाइल करते हैं तो आप फाइल करेंगे इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है और फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, क्या आप किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आपको कोई 139(9) का नोटिस आ गया है, कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आपको आ गया है, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस आ गया है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, लेकिन आपके पास नोटिस आ गया और उस नोटिस के रिस्पॉन्स में आप अपने ITR फाइल कर रहे हैं। सेक्शन 148 यानी कि असेसमेंट हो रही है, इस वजह से आप फाइल कर रहे हैं। 153A एंड 153C सर्च एंड सीजर के केस में आप फाइल कर रहे हैं, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अब आ जाती है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी हम बात करने वाले हैं। निल रिटर्न, निल इनकम है, 2.5 लाख से कम इनकम है, फिर भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम? तो यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन में पूछा गया है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं किस वजह से, सेक्शन 139 के 7th प्रोविजो की वजह से, अदरवाइज आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी थी, यानी कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी। आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, आपकी इनकम निल है, लेकिन आप जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1), तो आपको इस ऑप्शन पर करना है टिक, यस पे। साथ ही एक नोट दिया गया है, टू बी फिल्ड ओनली इफ़ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) बट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग वन और मोर कंडीशन मेंशनड इन 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। यानी कि आपको जो है नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) की एक या एक से ज़्यादा कंडीशन फुलफ़िल करते हैं, इस वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो आप जो है ये डिटेल्स सिर्फ आपको फिल करनी है। ये केवल उन्हीं व्यक्ति को फिल करनी है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी कंडीशंस हैं? हैव यू डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपने यदि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट्स में, यानी कि सबका टोटल करके देखें, तो आपने अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट की है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, भले ही आपकी इनकम निल है या आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है। नेक्स्ट आ जाता है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर ट्रैवल टू फॉरन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। यानी कि आपने
जो है फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने ऊपर या किसी और व्यक्ति के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है फ़ौरन ट्रैवल पे, उसके फ़ौरन ट्रैवल पे, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट। यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ अमाउंट लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वन टाइम जो खर्चा है वो ही आपका 2 लाख का हो। एग्रीगेट ऑफ अमाउंट यानी कि एक साथ अलग अलग भी अगर आपने खर्चे किए हैं तो उनका टोटल किया जाएगा। एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, मैंडेटरली फाइल करनी होगी, भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और आपको यहाँ पर टिक करना है कि आप इस वजह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ की है इस वीडियो में डिस्कस। आई होप ये वीडियो आपके लिए है यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।